नमस्कार पीसीए न्यूज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं रुचिका सिंह आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ देश और दुनिया की कुछ खबरें लेकर। तो चलिए नजर डालते हैं उन खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। मालूम पड़ा है कि उन्हें बुखार और गले में दर्द भी है, जिसके कारण उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। वह डायबिटीज के भी पेशेंट हैं, इसलिए कल उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा। गुरुग्राम में आज दोपहर 1 बजे रेक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता का भूकंप आया। दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के कारण हो सकते हैं गंभीर हालात। एम्स के बाद ICTS ने दी चेतावनी, कहा एक एक दिन में आ सकते हैं 35,000 नए कोरोना केस। शोधकर्ताओं ने यह भी भविष्यवाणी की है कि दोनों शहरों में जुलाई और सितंबर के बीच कोरोना मरीजों की संख्या चोटी पर हो सकती है। LAC पर चीन ने बढ़ाई हेलीकॉप्टर की हलचल, एयरबेस पे भारत की पैनी नजर। सूरत की एक फैक्ट्री में बॉयलर का पाइप फटने से 6 लोगों की मौत और 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस के 41 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब कुल मामलों की संख्या हो गई है 632, जिनमें से 211 लोग अभी भी सक्रिय हैं, 413 लोग ठीक हो गए हैं और 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली में होगा बस दिल्ली वासियों का ही कोरोना का इलाज। आज से खुल जाएगा पूरा देश, दिल्ली ने भी अपनी सीमाएं खोली। मालूम पड़ा है कि 15 अगस्त के बाद से स्कूल और कॉलेजेस के भी खुलने के आसार। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में देश भर के अब तक के 70% कोरोना के मरीज पाए गए हैं। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने एक घर के बाहर 11 राउंड गोलियां चलाई। घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ, सारी वारदात CCTV कैमरा में रिकॉर्ड। सोनभद्र में एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, सब मुंबई से लौटे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी और मौजूदा रेल मंत्री रशीद दोनों ही कोरोना वायरस से संक्रमित। कांग्रेस से BJP में जाने वाले 7 विधायकों को हाईकोर्ट ने विधानसभा में जाने से रोका। अस्पतालों पर लिए गए फैसलों को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मचाया हल्ला। पूछा केजरीवाल से कि क्या वो बता सकते हैं कौन है दिल्लीवासी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की और जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए PCI न्यूज से। केजरीवाल से कि क्या वो बता सकते हैं कौन है दिल्लीवासी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की और जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए PCI न्यूज से।